गोंडा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष शारदा कांत पांडे ने विकासखंड नवाबगंज के खरगोपुर गांव में स्वच्छता जागरूकता सामाजिकता समरसता सहभोज एवं कंबल वितरण और दिव्यांग साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 25 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व कंबल वितरित किए गए। आपको बता दें कि लगभग 500 गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए गए। मैं शशांक त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी हूँ। आज सर आप यहाँ पे आए हैं, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए। हमारे समाज में तरह तरह की कम्युनिटीज रहती हैं, भारतीय समाज की यही खूबसूरती है। तो यहाँ पर सिख समुदाय के लिए, साथ ही साथ दिव्यांग जनों के लिए जो ये कार्यक्रम रखा गया था, उनको कुछ लाभ पहुंचाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उस कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत की गई है। शारदा कांत पांडे जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ये हमेशा जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपने भी अभी कुछ देर पहले कुछ कहा था, इनके बारे में दो शब्द हम आपसे। श्री शारदा कांत पांडे जी से जब से मैं इस जनपद में आया तो अक्सर लगातार संपर्क में हूँ, और आपके द्वारा बहुत सहयोग रहता है प्रशासन का, और हम भी पूरा कोशिश करते हैं कि आपके सहयोग के माध्यम से गोंडा को एक बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश करें। यहाँ की गौशालाएँ, यहाँ की ग्राम पंचायतें, यहाँ के शहरी निकाय और यहाँ के जितने भी वंचित लाभार्थी हैं, उनको लाभ दिलाने की लगातार कोशिश आपके सहयोग से चल रही है, और मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ओके सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम शारदा कांत पांडे है, मैं हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष हूँ। जी, आज आपने यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? जी, इसका मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ पे स्वच्छता जागरूकता समरसता सहभोज एवं कंबल वितरित का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के जो भी दिव्यांग भाई हैं, जो सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, उनको साइकिल दिया जा रहा है। जो भी योजनाएं सरकार चल रही है उसको भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो हमारे देश की संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके वंशजों को हम लोग आज सम्मानित करते हैं। और समरसता सहभोज के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जात पात ऊंच नीच का भेद मिटा करके हम एक हैं। हमें आपस में कोई ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है, हम हिंदुत्व हैं। उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कितने सालों से किया जा रहा है? ये लगभग 20 सालों से कार्यक्रम चल रहा है। सर, आपको शासन और प्रशासन से सहयोग प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल, पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। शासन के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी हमारा पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।